हेलो डियर स्टूडेंट्स इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਕਲਰਸ ਆਫ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਐਂਡ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਰ ਆਫ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिए सू एक चार्ट डिस्कस करना पेगा तो इस चार्ट ला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन जो पहला पढ़ चुके उसू अस लिख लें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेषन वेलेंस शैल दिखन तो बाद अस्लिसिस करिएखे कोमेंट्स के अंदर बाहर तीन इलैक्ट्रॉन है लास्ट इस एलीमेंट के अंदर भी बाहर तीन इलैक्ट्रॉन है और बाकी के अंदर डी जीरो इस अंदर भी जरा बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगे जी थ्री दिखाई दे रही है तो मोस्ट कॉमन इलैक्ट्रॉनिक कन्फ्रगे जी है वो लेंथेनाइट दी है प्लस थ्री प्लस थ्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक का चेंज हो जाएगा वो इस तरीके हो जाएगा जो पहला एलीमेंट्स है उसके बाहर तीन इलेक्ट्रॉन से तिने के तिने ऑक्सीडेशन स्टेट चेट चेट प्लस थ्री गेन करने तो बाद ए सिचुएशन आ गई डी जीरो एस जीरो और एफ बी जीरो बादलीमेंट्स के अंदर भी एफ वन सी एफ वन ही रहा और थ्री इलेक्ट्रॉन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन अटेन करने तो बाद फाइव डी जीरो और सिक्स जी सिक्स एस जीरो हो गया तो नैक्सट एलीमेंट्स के अंदर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करने तो बाद एक इलैक्ट्रॉन तो एस चुक गया और एक इलेक्ट्रॉन जो ए डी ने आकसाइड करके एफ ना अभी डी एफ फोर एफ के अंदर एफ थ्री नहीं रहेगा एफ टू दैन एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एंड एफ सैवन ए वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगे आफ्टर अटेनिंग प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट साड़ी वेलेंस शैल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगे जी है बदल जाएगी तो असं देखते हैं कि लेंथन के अंदर मोस्ट कॉमन जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगे है वो प्लस थ्री ही है फस्ट और लास्ट ए वाला एलीमेंट ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਟੀ F0 ਔਰ F7 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ N ND ਐਂਡ EU ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੋਂ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो इस तरीके चेंज हो जाएगी कि ए एक्सट्रा स्टेबिलिटी प्लस एफ सैवन गेन करेगा एफ फोर वाले भी साढ़े कोमेंट्स हैं जिन्हें एफ़ फोर कॉमन ऑक्सीडेशन एफ थ्री के न एफ फोर भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी सी ई एलीमेंट एंड एन डी अंदर सू प्लस फोर भी देखने मिलेगा और यहाँ एलीमेंट्स के दे अंदर देखो प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस फोर भी सूँ दिखाई देगा तीन तरह की जीडी है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा एलिमेंट बिहेव करेगा मोस्ट कॉमन जो है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगा प्लस फोर तो बादचुएशन जी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगे इस तरीके हो जाएगी नैक्सट feature of above table is table shows the most common oxidation state of lanthanide is plus 3 plus 2 and plus 4 oxidations are also shown which can be explained on the basis of thermodynamic stability these elements can act as good reducing agent while on other hand these act as good oxidizing agent रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट इलैक्ट्रॉन रेडली जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज दे कैन डोनेट इलैक्ट्रॉन रेडली आसानी इलैक्ट्रॉन दान कर देंगे ने जो कि जो असं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं वो अक्सैप्ट कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन आसानी ऑक्सीडिशन स्टेट द नैट नमेरीकल चार्ज प्रेजेंट ओन एन एटम ओफ एन एलीमेंट इन इट्स कंबाइन स्टेट इज नाउन एज ऑक्सीडिशन स्टेट और ऑक्सीडिशन नंबर एफब्लॉक एलिमेंट्स जो जितने भी है सारे के सारे मेटल्स हैं और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव ऑक्सीडिशन स्टेट शो कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन एफब्लॉक की देखिए फोर एफ सीरीज लेंथेनाइड दी है तो लेंथेनाइट के अंदर फोर एफ वन टू फोरटीन फाइव डी जीरो टू वन इलेक्ट्रॉन और सिक्स एस टू होंगे होे को ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या लेंथेनाइड एटम्स ऑल लेंथेनाइड शो ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री दैट इज़ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी एंड टू इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एस इसलिए इस सब शैल के अंदर सूँ तीन इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देते हैं इन्होंने अंदर और इस करके मोस्ट कॉमन जीडी है प्लस थ्री तो सब ने करनी है ऑक्सीडिशन स्टेट शो ऑक्सीडिशन स्टेट के अंदर इन अडिशन टू प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडिशन स्टेट सम एलिमेंट कैन आल्सो तो शो प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडे स्टेट जैसे कि प्लस टू एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ईयू एलिमेंट जो है प्लस स ईजू प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के नाल सैवन इलेक्ट्रॉन एफ सैवन इलैक्ट्रॉन के नाल एक्सट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा दो इलेक्ट्रॉन ए गुआ करके इस करके ये वाला एलीमेंट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा और वाई बी ए वाला इलेक्ट्रॉन भी एलिमेंट भी दो इलेक्ट्रॉन गुआ करके एक्सट्रा स्टेबिलिटी कंपलीटली फील्ड एफ फोर्टीन द्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा सो दीज एलीमेंट्स कैन शो प्लस टू ऑक्सीडिशन स्टेट प्लस फोर ऑक्सीडिशन स्टेट के लिए सी फोर पॉजिटिव एलीमेंट्स के नलीमेंट्स एफ जीरो स्टेबिलिटी गेन करेगा और टी बी प्लस फोर ऑक्सीडेषन स्टेट के न टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस एंड टू फ्रॉम एफ इलेक्ट्रॉन एफ सैवन इलैक्ट्रॉन के नक्सट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा तो प्लस फोरली सी ई फोर पॉजिटिव टी बी फोर पॉजिटिव ए रेडली जोड़े है फोर ऑक्सीडिशन स्टेट शो कर देंगे हूँ तक जिन्ना पढ़िया एमसी के क्वेश्चन वट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रग्रेस ऑफ लेंथनाइट इन प्लस इन प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रीगे क्या होएगी जदों ओ प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट पर होएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रीगेन जो है प्लस थ्री शो करनाइट के अंदर उन्होंने अंदर ए वाली इलेक्ट्रॉनिक इलैक्ट्रॉनिक हो जाएगी दिस एलीमेंट्स की तो लेंथेन की प्लस थ्री ऑक्सीजेस स्टेट से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगे है वो सारे ऑर्बिटल है जीरो ते एक्सट्रा स्टेबिलिटी के होंगे। एफ तो जीरो तो पहले ही रहेगा डी तो एक इलेक्ट्रॉन और एस तो दो इलेक्ट्रॉन प्लस थ्री ऑक्सीडे स्टेट नाल एफ जीरो डी जीरो और सिक्स जीरो बन जाएगा वट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड तो लैंथेनाइड की मोस्ट कॉमन असी पढ़ी सी प्लस थ्री एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एज वेल ऑक्सीडाइजिंग यस तो एहबलॉक एलिमेंट्स है अच्छे रिड्यूसिंग एज वेल एज अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस टू ऑक्सीडिशन स्टेट इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ई यू बाई बी और बोथ आंसर इज बोथ ए एंड बी प्लस फोर ऑक्सीडेशन टू प्लस फोर भी अ both C E and T B elements. Next topic is colors of lanthanide. Colors of lanthanide अगर देखिए तब बहुत colorful है lanthanide के जितने भी metal हैं उन्हें भी oxidation state plus आ, positive oxidation state show कर देने easily electron loose कर देने और coloured आयन बना देने. तो metal जो है सानु solution के अंदर तरह तरह के जड़े ये कलर देंगे तो ये वाले एलीमेंट एल ए थ्री पॉजिटिव सी ई थ्री पॉजिटिव से तो वाइट कलर द ही रे एन डी थ्री पॉजिटिव से सू देखो ये मैरून रैड कलर दिखाई दे रहा और पी एम थ्री पॉजिटिव से दिस वन कलर पी आर थ्री पॉजिटिव दिस वन एंड सोल्यूशन से टी एम थ्री पॉजटिव इस तरह के सू जो कलर दिखाई देंगे पहला अस पढ़िया बेटा डी ओरबिटल uh, अंदर डी ब्लॉक तो तो के अंदर कि डी डी ट्रांजिशन होंगी है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग जो डी ऑर्बिटल के फाइव सब ऑर्बिटल है वो सपलिट करके लोअर लैवल से थ्री आ जागे और हायर लैवलते थ्री चले जाते क्रिस्टल क्रिटल फील्ड सपलिटिंग तो मतलब एक फाइव के फाइव जो डी ओरबिटल है इन्हों एनर्म नहीं होंगी जो इन्होंने जिन्हों की एनर्जी लोअर लैवलते सेम है वो ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਔਰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਅਰ ਟੂ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ट्रांजिशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਡੀ ट्रांजिशन ਕਿਉਂਕਿ डी तो डी अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करा है डी में से हो करके डी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आया तो इसको डी डी ट्रांजिशन बोल रहे हैं अभी ये एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके ये हायर लेवल के अंदर चला गया और ये एनर्जी अमिट करके एनर्जी को छोड़ करके जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी उसको छोड़ करके इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये वापस अपनी स्टेट पर जा सकता है तो वापस चला गया तो जो इसने एनर्जी छोड़ी वो ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਰੈਟੀਨਾ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਡੀਡੀ ट्रांजिशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਬ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਆਰਬਿਟਲ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਜੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ 4 ਆਰਬਿਟਲ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ 3 ਆਰਬਿਟਲ એનર્ਜੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਅਭੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਰੇਡੀਸ਼ਨ ਅਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਲੈਂਥਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਲਨ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ 3 ਚਲੇ ਗਏ ਅਭੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਟੇਟਿਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਪਲੀਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਰੀਏ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਐਫ ਐਫ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ इन्हों किसी ऑर्बिटल के अंदर अनपेड से खाली स उसनों इलेक्ट्रॉन मूव करना सी। अभी ये भी पूरे फील्ड है और लोअर लैवल के भी सारे फील्ड है तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का होना ही नहीं है तो इसलिए जो पहले वाला एलिमेंट इसलिए कलरलेस है बिकॉज उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांजिशन के लिए और लास्ट वाला एलिमेंट इसलिए कलरलेस है बिकॉज वो सारे के सारे ऑर्बिटल ही उसके फिक्स है ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना ये कलर कंपाउंड नहीं बनते एल यू थ्री पॉजिटिव से कलरलैस है और एल ए थ्री पॉजिटिव से कलरलैस है तो थ्री पॉजिटिव मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट के उपर एल और एल यू जो एलीमेंट्स हैं सू कलरलेस दिखाई देंगे ਸੋਡੀਅਮ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਬਣਨਗੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੈ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕਰਕੇ ਗਰਾਉਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਿਟਡ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਤੋਂ ਪੀ ਆਰ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੀ ਐਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 2 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਅਨਪੇਂਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰਾਉਂਡ ਸਟੇਟ ਜਾਂ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲਰਡ ਆਇਨਸ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਰ ਆਫ ਆਇਨ ਦਾ ਅਗਰ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ ਤੋ ਪੀ ਆਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਆਰੈਡ ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲਰਲੈਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲਰਡ ਆਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇ ਪੀ ਐਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਪਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਐਸ ਐਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੈਲੋ Eu3 थ्री पॉजिटिव थे पिंक एंड जी डी थ्री पॉजिटिव थे कलरलेस दिखाई देगा ये एलिमेंट भी सू देखो ए पहला सी एलिमेंट लास्ट एलिमेंट्स दोनों कलरलेस दिखाई दे रहे हैं और दीज टू एलिमेंट्स कलरलेस दीज टू एलिमेंट्स पी आर थ्री पॉजिटिव टी एम थ्री पॉजिटिव इन्हें वेल शैल से दो दो इलेक्ट्रॉन खाली बचते हैं ये एक तरह का कलर सू दिखाई दे रहा है ग्रीन और इन्होंने अंदर भी सूँ जो वेलन शैल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीशनजे आनपेयरिंग एक तरह की दिखाई देती है इस करके दोनों के सू कलर और ए वाला और ए वाला एलीमेंट्स दोनों सन येलो पिंक और द टू तो आलसो शोज़ येलो एंड टू शोज पिंक कलर एंड टू अगेन कलरलैस हूँ तक जो पढ़िया इन्होंम सीओ क्वेश्चन लै लिया वाई डू वी सी कलर इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ड्यू टू बोथ ए एंड सी ए है ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन और सी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज कलर्ड तो पी आर थ्री पॉजिटिव अने पढ़िया कलर्ड आइन बनाते हैं What is the color of La3 positive? So, La3 positive is colorless. How many orbital do you have in 5F subshell? That is 7. Out of following, which is colorless? So, colorless has article CE3 positive. Very important topic lanthanide contraction. to periodic table the under. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 엘িমੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਐਸ ਬਲੌਕ ਟੂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਸ ਤੋਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਐਫ ਲੋਕ 엘িমੈਂਟਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ और तमां एंड छेव एंड सतमां पीरियड सिकस्थ पीरियड सैवंथ पीरियड बट थर्ड ग्रुप ये है साढ़े लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड की पोजिशन और अभी असं कर रहे हैं लेंथेनाइड तो लेंथेनाइड की पोजिशन है थर्ड ग्रुप सिकस्थ पीरियड तो इन्हे अंदर अटोमिक नंबर फिफ्टी सैवन फिफ्टी एट so टू सो ऑन चलते चलते अगर अं देखिए तो इन्हों का अटोमिक साइज कंटीन्यू ग्रैजुअली डिक्रीज हो रहा है तो वन एट्टी सैवन पीकोमीटर वन एटी थ्री पीकोमीटर सो एंड सो एंड सो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू तो लेंथेनाइट के अंदर एल ए से एल यू तक जाते समय अस रहे हैं कि इनका अटोमिक सज़ कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है ग्राफिकल रिप्रजेंशन देख रहे हैं ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਰੇਸ਼ਿਓ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕਰਫ ਟ੍ਰਫ ਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਉਪਰ ਹੇਠੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੋ ਹੈ ਦਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਥਨਾਈਡ एलिमेंट्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੋ एलिमेंट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ एलिमेंट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਓਕੇ ਬਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ एलिमेंट्स ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਫ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਬਿਟਲ ਤੇ पहुंच गया एफ फोरटीन तक तो एफ फोर्टीन तक जाके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करके थोड़ा सा एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इन्ने ज्यादा हो जाएंगे जो कि रिपल्शन करेंगे इस करके थोड़ा साइज इनक्रीज़ मिलेगा सूँ लास्ट एलिमेंट से बाकी कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं द फिनोमिना ऑफ स्टडी डिक्रीज़ इन अटोमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन अटोमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन सो दिस इज द डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लेंथनाइट कंट्रेक्शन फिनोमिना ऑफ स्टडी डिक्रीज इन अटोमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट विद इंक्रीज़ इन अटोमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइट कंट्रैक्शन काज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन तो लेंथेनाइट कंट्रेक्शन तो हो गया लेकिन उसका रीजन क्या है दो फैक्टर है पहला फैक्टर है अफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज और दूसरा फैक्टर है शील्डिंग अफैक्ट एंड स्क्रीनिंग अफैक्ट दोनों अफेक्ट नी स्टडी करना है तो यह दोनों अफैक्ट है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का क्वेश्चन अगर आ जाए वट अफैक्ट वट अफैक्ट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड फैक्टर आर अफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज एंड शील्डिंग इफैक्ट शील्डिंग इफैक्ट नी स्क्रीनिंग इफेक्ट ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ proton ਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ electron ਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ proton ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ nuclear charge ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ nuclear charge ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ electron ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ कि जिन्हें भी प्रोटोन है उन्होंने बाहरी इलैक्ट्रॉन को अपने बल अट्रैक्ट करना है और इसलिए हर इलैक्ट्रॉन अपने फिक्स पाथ के अंदर एक एटम से रिवॉल्व कर रहा है अगर ये सेंटर का न्यूक्लियस चार्ज नहीं होएगा तो इलैक्ट्रॉन फिक्स पाथ के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा वो कभी तो दूर चला जाएगा कभी नेड़े आ जाएगा भी जा हो सौ तो बहुत दूर चला जाए वापस ही ना आए और इसलिए उन्होंने पकड़े रखने के लिए ये जो सेंटर से न्यूक्लीयर चार्ज है उसने वर्क करना है सारे इलैक्ट्रॉन अपने कोल रखना है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लीयस एंड इलैक्ट्रॉन इन वेकेंट ऑर्बिट इज कॉल्ड अफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज तो प्रॉपर डेफिनेशन है अट्रैक्शन फोरस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन वेलेंस ऑर्बिट इज कॉल्ड अफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज तो वेलेंस ऑर्बिट कड़ा बाहरी ऑर्बिट और उसके अंदर दे इलेक्ट्रॉन जे अंदर घूम रहे हो गए बाहरी ओरबिट नीं बोल रहे हैं वेलेंस ऑर्बिट सेंटर से है न्यूक्लियस चार्ज इन्हें अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स असं बोल रहे अफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज इन लेंथेनाइट सीरीज आटोमिक नंबर इंक्रीज़, हैंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़, न्यूक्लियर चार्ज व्हिच काजस कंट्रैक्शन ऑफ आटोमिक साइज तो लगातार जो इलेक्ट्रॉन की गिनती बढ़ने सेंटर से प्रोटॉन की गिनती भी वही है इलेक्ट्रॉन की गिनती जो बढ़ रही है ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟਾਉਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੈਕਟਿਵ ਨੁਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟਾਉਣ ਦੇ ਵਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਸੋ ਇਨ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ As number of proton increase atomic number na proton increase ho reha and force of attraction par electron increase jive jive electron badh reha andar center ch proton ne bhi badhna hai proton de badhan de naal ki hovega ke nuclear charge bahut zyada increase hunda rahega animation de naal dekhde ha center ch pehla tin proton si a tin force sand kai de reha ਕੋਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਇਸ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਭੀ ਫਾਈਵ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਧੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੌਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੌਨ ਦੇ ਵਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਅਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲ ਨਿਊਕਲियस ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਔਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਪੀ ਦਾ ਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਟ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਲਨਸ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਲਈ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਫ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ रोक नहीं पा रहा तो ये एफ ऑर्बिटल अगर जो होएगा सिस्टम के अंदर ज एटम के अंदर तो ओ स्क्रीनिंग अच्छी नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लीयर चार्ज बाहर वेलेंस ऑर्बिट तक पहुँचेगा और उसू अट्रैक्ट अपने वल करेगा क्यों करेगा बिकॉज वेलेंस ऑर्बिट चाह है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सेंटर का जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो एफ ऑर्बिटल के आने जो साइज़ ऑफ एटम है इसलिए बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता बिकॉज एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, जिन्ना एस ऑर्बिटल का है तो इन्ह का असी अगर सीक्ुएंस देखिए तो सीकुएंस दे एस ओरबिटल शील्डिंग सबसे ज़्यादा है दैन पी ी और एफ के लिए सबसे पुअर शील्डिंग है और इसलिए एफ ऑर्बिटल जिथे भी सूर्य ऐटम दिखाई देगा उस एटम का साइज बहुत छोटा होएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लै ली इसे वट आर द काज ऑफ लेंथ एनड कंट्रैक्शन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग फैक्ट बोथ ए एंड बी बोथ एंड बी रहेगा आंसर व्हाट इज द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की है जी तो दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विच ऑफ फॉलोइंग्स सब शेल हैज स्ट्रोंगेस्ट शील्डिंग तो एस की सबसे स्ट्रोंगेस्ट शील्डिंग है साइज ऑफ लेंथन मेटल आयन गोज ऑन साइज क्या करता है डिक्रीज करेगा लेंथनेट के अंदर

तोड़े हाँ जे सारे क्वेश्चन बोर्ड और कंपीटिशन देश लग जाएंगे ओके थैंक यू